पिछले 24 घंटे में इस तस्वीर को लाखों लोगों ने देखा। एक तस्वीर ने इंटरनेट पर धमाका कर दिया। क्या स्टार, क्या सुपरस्टार, जिसने भी देखा बिना कमेंट किए नहीं रह पाया। एक छोटी सी घटना ने रातों रात इस शख्स को स्टार बना दिया। हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ये भाई साहब हैं कौन। टीवी 9 की टीम ने इस शख्स को ढूंढ लिया है। इसका नाम शोभित पांडे है। कानपुर के चौक इलाके में रहते हैं। आज कैमरे पर उन्हीं से सुनिए कि आखिर पूरा माजरा क्या था। एक्चुअली सर, फोन ये आया है, मेरा एक फ्रेंड है, वो कल गेट नंबर 8 में था और मैं जो गेट नंबर 11 में था, तो वो मेरे पास आ रहा था। वो मैं बस इतने बता रहा था कि जो मैं गेट नंबर 11 पे आ जाऊँ, मात्र वो कॉल सिर्फ 10 सेकंड का था, 10-11 सेकंड का, बस इतना ही, बस इतना कॉल था। लेकिन वो एक्चुअली कहता कि मुझे वो बात करना जरूरी था और मुँह पर जो मेरे जो है पीक थी, या तो मैं वहाँ थूकता, उसका उल्लंघन करता, वो उससे हुआ नहीं, तो मैंने जो है जिससे मुझसे बात हो सकी, मैंने उस तरीके। अब जिस तरीके से वीडियो और फोटो वायरल और मतलब इतना ज़्यादा उस पर कमेंट आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस क्या, देखिए लगभग लगभग जितने मतलब मीम या कमेंट बने सब फनी है, लेकिन जो एक दो कमेंट जो मेरी बगल में मेरी बहन थी वो कुछ और लगा, उसमें जो लोगों ने गंदे कमेंट किया मुझे उससे बस तकलीफ है। कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। शोभित अपने दोस्तों के साथ मैच देखने गए थे, लेकिन भीड़ भाड़ की वजह से उनका दोस्त किसी और गेट पर था। उसी को फोन करने के लिए उन्होंने मोबाइल निकाला और कॉल किया। इत्तेफाक से उस वक्त उनके मुंह में मसाला था। वो फोन पर बात कर ही रहे थे कि फील्ड कैमरामैन ने उनकी ओर जूम कर दिया और किसी दर्शक ने ये तस्वीरें मोबाइल में रिकॉर्ड करके वायरल कर दी। इंटरनेट पर आते ही ये तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हुई। इस पर रिएक्शन देने से कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी अपने आप को नहीं रोक सके। हम गुरु कानपुरी हैं, हम मौज लेते हैं, हम मौज देते हैं। दोस्तों, जब कोई तम्बाकू या गुटखा खाता है तो उसके खाने के अंदाज से ये पता चलता है कि ये भगवान से क्या वादा कर रहा है, ऐसे खाता है। भगवान जी, हम जल्दी ऊपर आएंगे। कवि कुमार विश्वास ने भी इस वायरल वीडियो पर कमेंट किया। शोभित पांडे कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि उनका ये अंदाज इतना वायरल हो जाएगा। पान मसाला खाने की बात वो स्वीकार करते हैं, लेकिन शोभित ने ये भी बताया कि जब वो कानपुर स्टेडियम में मैच देखने गए थे तो गेट पर ही उनका मसाला जमा हो गया था। जैसे तैसे जुगाड़ करके उन्होंने स्टेडियम में मीठी सुपारी की व्यवस्था की थी। जिस वक्त तस्वीर क्लिक की गई, वो सुपारी खा रहे थे, ना कि मसाला। शोभित के बगल में बैठी लड़की उनकी बहन है। कुछ लोगों ने उनकी बहन के बारे में गंदे कमेंट किए, जिससे वो आहत है। रातों रात सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई तो शोभित के पास फोन करने वालों का तांता लग गया। अब तक उनके इतने फोन आ गए कि उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं गुटखा खाता नहीं हूँ, खाता हूँ गुटखा, ऐसा नहीं, लेकिन जब जो रोज खाता हो उसको उलझन समझती है। तो कल वो मामले की मिट्टी सफाड़ी मेरी सिस्टर के बैग में, तो मैंने वही खा ली। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे जो जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उनसे, या मतलब कानपुर की जनता का जीता? ट्वीट के भैया, मैं उनसे ये कहूँगा कि अब जो है ट्वीट हुआ सच्ची क्या, लेकिन आपको ज़्यादा ही ट्वीट हो रहा है। अब मुझे तो इरिटेशन हो रही है कि इतने मतलब समझे कि अब मेरा फ़ोन हैंग करने लगा, इतने फोटो इमेज वीडियो आ गए हैं। शोभित के कानपुरिया स्टाइल की चारों ओर चर्चा हो रही है, लेकिन वो अपनी गुटखा छाप पहचान से बाहर निकलना चाहते हैं। शोभित ने लोगों से अपील की कि पान मसाला ना खाएं।